तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम कभी दूसरी दुनिया में समंदर की खोज करेंगे? तो दरअसल यह सपना सच होने वाला है जुपिटर के यूरोपा क्लिपर मिशन के साथ। यह मिशन जुपिटर के छोटे चांद यूरोपा तक का है, जिसमें शायद एक समंदर हो सकता है जो हमारी दुनिया के सभी बड़े समंदरों से भी बहुत बड़ा है। तो चलिए जुपिटर के यूरोपा क्लिपर मिशन के इस रोमांचक सफर को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नासा को यूरोपा पर इतनी दिलचस्पी क्यों है। तो साइंटिस्ट को शक है कि यूरोपा पर अंडर आइस ओशियन एग्जिस्ट कर सकती है। हवा, पानी और एनर्जी लाइफ के लिए मतलब बेहद ज़रूरी है। अगर हवा, पानी और एनर्जी है तो वहाँ लाइफ हो सकती है। साइंटिस्टों के मुताबिक यूरोपा पर ये अंडर आइस ओशियन लाइफ के लिए एक अच्छे एनवायरनमेंट तैयार कर सकते हैं। अगर ऐसा सच है तो यूरोपा पर जीवन के और भी ज़्यादा चांसेज बढ़ जाते हैं, यानी हो सकता है कि यूरोपा पर जीवन हो या फिर एलियन भी। अब बात करते हैं मिशन की खुद की। तो नासा ने इस यूरोपा मिशन को इस तरह से डिजाइन किया है कि यह पहले जुपिटर के ऑर्बिट में जाएगा, वहाँ उसकी चक्कर लगाएगा, फिर वहाँ से निकल कर वो यूरोपा के आसपास फ्लाई बाई करेगा। वो डायरेक्ट यूरोपा के ऑर्बिट में नहीं घुसेगा, जबकि कम से कम वो यूरोपा के 50 से अधिक फ्लाई बाई करेगा और उसके सरफेस को स्कैन करेगा, यानी जहां आइस होगा बर्फ वहां वो स्कैन करेगा। इस स्पेसक्राफ्ट में बहुत सारे एडवांस फीचर वाले इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। वे वो सरफेस के नीचे जो आइस है उसके नीचे के क्रस्ट को भी स्कैन करेगा और उनकी जाँच करेगा। अब बात करते हैं यूरोपा क्लिपर पर लगे कुछ खास इंस्ट्रूमेंट की जो मिशन की दिल है। रडार फॉर यूरोपा असेसमेंट एंड साउंडिंग। यह रडार यूरोपा के आइस क्रस्ट के नीचे के एनवायरनमेंट को स्कैन करेगा और वहां पानी की प्रेजेंस का पता लगाएगा। मैग्नेटोमीटर, यह मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करके यूरोपा के समुन्द्र की गहराइयों और उसके सॉल्टरी कंपोजिशन को मेजर करेगा। आइस पेनेट्रेटिंग कैमरा, यह कैमरा सरफेस की नीचे की इमेजिंग करेगा जिससे हमें एक्यूरेट डाटा मिलेगा यूरोपा के कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में। यह सारे इंस्ट्रूमेंट मिलकर हमें यूरोपा के हर कोने की डिटेल देंगे और वहाँ जीवन को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। हर मिशन के साथ कुछ चैलेंजेस तो होते ही हैं, तो यूरोपा क्लिपर भी इससे अलग नहीं है। दरअसल जुपिटर के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेडिएशन बेल्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी को डैमेज कर सकता है, जिसके लिए नासा ने एक खास तरह का रेडिएशन प्रूफ शील्डिंग का इस्तेमाल किया है जो स्पेसक्राफ्ट को प्रोटेक्ट करेगा। अगर यूरोपा क्लिपर अपने मिशन में सक्सेस होता है तो हमारे पास वो सारे प्रश्नों के उत्तर होंगे जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम खुद इस यूनिवर्स में अकेले हैं। यूरोपा के अंडर आइस ओशियन की खोज से हमें लाइफ के कुछ एसेंशियल क्लोज मिल सकते हैं या कुछ नए मिशन का रास्ता दिखा सकते हैं। यूरोपा क्लिपर के बाद और भी आगे मिशन हो सकते हैं जो आगे और ज़्यादा स्पेसिफिक डाटा कलेक्ट कर सके, या हो सकता है कि हम फ्यूचर में वहाँ डायरेक्ट एक्सप्लोरेशन या वहाँ के ओशियन में सबमर्सिबल रोवर्स को भेज पाए। तो दोस्तों, ये मिशन सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट के सफर तक का नहीं है, यह यूनिवर्स में हमारे नए जीवन की आसरों की तलाश में एक कलेक्टिव जर्नी है। अगर ये मिशन सक्सेस होता है तो हो सकता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक नया युग प्रारंभ हो। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और भी इंटरेस्टिंग स्पेस नॉलेज के लिए और नए नए मिशन के अपडेट्स के लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले मिशन के साथ।